बोलो, मुझे देर हो रही है, जरा जल्दी जाने। इससे ना आंखें चुराने से या आंखें बंद कर लेने से हकीकत तब्दील नहीं हो जाएगी। एक बार मेरी बात तो सुन लें आप। देखो, मुझे सिला के बारे में कोई बात नहीं करनी। आपको क्या हो गया भाई? पॉजिटिव थिंकिंग वाला काशिफ कहाँ चला गया, जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था, सारे सिस्टम को तब्दील करना चाहता था। ट्रस्ट मी भाई, इस सारे चक्कर में सिला का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, और वो पिक्स? सारा फोटोशॉप था। मैं किसी की भी पिक किसी के भी साथ लगा सकती हूँ। सारी रात सोचने के बाद मेरे जहन में एक बात यही आई कि 100% इस सारे चक्कर में महक का ही हाथ है। वो कैसे? सिला का फेसबुक पर कोई अकाउंट ही नहीं है, ना ही कोई पिक्चर्स हैं। You mean to say कि सिला की वो पिक्स महक ने रोमी को दी थी? शुक्र आपको सारी बात समझ में आ गई। अब बाबा के दुबई जाने से पहले आप मामा और बाबा को सारा मसला बयान कर दें। मामा नहीं मानेंगी। शी इज वेरी अपसेट। अब उस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। क्या हुआ दादी अम्मा, ऐसे क्या देख रही हैं? अरे तौबा है तौबा, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। क्या मतलब? ये जो नौमी की खिचड़ी सिला की मंगनी में पकाई है, वो तूने पकाई है? वाह दादी अम्मा वाह, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तस्वीर वो बनवाए और इल्जाम आप मुझ पे लगा रही हैं। अरे कमबख्त, तेरे फायदे के लिए पूछ रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछ रही हैं। जब जमान उस लड़के को घसीटता हुआ लाएगा और दो तीन छित्तर लगाएगा ना, तो वो फर फर तोते की तरह बताएगा कि उस सिला की तस्वीरें उसे दी किसने थी। दादी अम्मा, वो मैंने किया था। तू मुझसे भी ज्यादा बड़ी हो गई है और मुझे बताया भी नहीं। दादी अम्मा, सब इतना जल्दी जल्दी में हो गया कि आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला। पहले तो मुझे जमान को राम करना होगा, कहीं वो नौनी को जान से ही ना मार दे। तू बैठ। अरे मेरे बच्चे, मेरी बात मान और गुस्सा थूक दे। अम्मा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सिला मनहूस की वजह से हमेशा ही मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन आज मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। से एक बार ये नौमी का बच्चा मेरे हाथ लग जाए। तुझे क्या जरूरत है मोहल्ले के लड़कों से दुश्मनी मोल लेने की? तू ठंडे दिमाग से महक और सायम के मुस्तकबिल के बारे में सोच। लेकिन अम्मा, हमारी इस कदर बेइज्जती जो हुई उसका क्या है? सिला की मंगनी करना तो हमारी मजबूरी थी ना, और जो कुछ मंगनी में हुआ वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। हमें क्या जरूरत है किसी से दुश्मनी लेने की? क्या तू अपनी बूढ़ी माँ की इतनी सी बात नहीं मानेगा? ठीक है अम्मा, लेकिन उन तीनों मनुष्यों से कह दो कि अब अपनी शक्ल भी ना दिखाए मुझे। तौबा है तौबा, तेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि रूबीना से तेरी शादी एक समझौता है? अरे हम जब चाहे उसे ठोकर मार के घर से निकाल दे। जहां इतने दिन सबर किया है, थोड़े दिन और कर ले। अलीशबा बेटा, क्या बात है? बाबा, मैं भाई से। अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम लोग मुझसे भी छुपा रहे हो? एक्चुअली पापा, हम आपको कुछ बताना चाह रहे थे। सिला की जो पिक्स थी वो रियल नहीं है। रियल नहीं है? अरे तो फिर उस फ्रॉडी लड़के को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोगों की तसल्ली नहीं हुई? लेकिन मासूमा। लेकिन कुछ नहीं, अब हमने काशिफ और सिला का रिश्ता खत्म कर दिया है, और आप सबको इस बात को भयानक ख्वाब समझ के भूल जाना चाहिए। लेकिन मम्मा, इसमें सिला का क्या कसूर है? उसे क्यों सजा मिल रही है? तो तुम क्या चाह रही हो, हम उस बदमाश नौमी से दुश्मनी मोल लेके अपने लिए जिंदगी आराम कर ले? मासूमा, लेकिन हम पुलिस से
मैं उसकी कंप्लेंट भी तो कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, आप तो कल चले जाएंगे दुबई, पीछे मैं अपने बच्चों के साथ अकेली होंगी, और फिर मेरा एक ही बेटा है। नहीं, मैं नोमी जैसे बदमाशों से दुश्मनी नहीं ले सकती। आप सब लोग कान खोल के सुन लें, सिला का रिश्ता खत्म हो चुका है और अब इस घर में उसका कोई नाम नहीं लेगा। अम्मी कुछ काम मैं कर दूं? सब काम हो चुका है। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी मेरी बात तो सुने। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मेरे पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने तो आपसे कोई सवाल नहीं किया ना सिला। लगता है अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम बाद में आराम से बात कर लेना। नहीं जन्नत, मेरे बारे में कोई क्या कह रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अम्मी ने मुझ पे शक किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। जन्नत, जन्नत, कहाँ जा रही हैं आप? जाकर देखो ये हीरोइन है क्या कर रही हैं तीनों, कोई काम भी किया है कि नहीं? आराम से बैठ जाएं, वो एक नए ड्रामे की तैयारी कर रही हैं। जान निकाल दूंगी उन लोगों की अगर आप कोई तमाशा किया तो। मुझे नहीं मालूम, जन्नत वॉमिटिंग कर रही है, अम्मी और सिला उसके बराबर में खड़ी हैं। हाय तौबा है तौबा। किस बात की तौबा? खर्चा और बढ़ गया। कौन सा खर्चा? अरे तू खाला बन रही है और जन्नत माँ। मैं किस बात की खाला? मैं सुतेली हूँ, उसकी सखी खाला सिला है। है तो तू सुतेली है, है। जन्नत अब तुम लेट जाओ। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये लो, अब थोड़ा सा पानी पी लो। थोड़ा सा और पी लो। अम्मी पता नहीं क्यों मेरी तबीयत फिर से अजीब सी हो रही है। जन्नत तुम माँ बनने वाली हो। अम्मी मैं? लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस अब तुम्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। चुप करके लेट जाओ और किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, सारे काम मैं खुद करूंगी। अम्मी आप प्लीज मुझे माफ कर दें। चलो लेटो तुम, आराम करो। अम्मी, अम्मी जन्नत प्रेग्नेंट है। जब जन्नत को हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना, तभी डॉक्टर साहब ने मुझे बता दिया था कि जन्नत प्रेग्नेंट है। फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें और जन्नत को मजीद परेशान नहीं करना चाह रही थी बेटा। अम्मी इसमें परेशानी की क्या बात है, तो खुशी की बात है। अब तो खुशी के नाम से भी डर लगने लगा है, ये तो हालात की बेरहमी और फिर जन्नत की ऐसी तबीयत, इसीलिए मैंने तुम दोनों से छुपाया। और फिर हुमायूं का भी कुछ पता नहीं, ना जाने कहाँ गायब हो गया है। अम्मी हम तो हैं ना, हुमायूं भाई के होने या ना होने से हमें क्या करना? तुम नहीं समझोगी सिला, इस वक्त जन्नत को हुमायूं के साथ की कितनी जरूरत है। हाँ भाई सही हो रहा है कहाँ? सर आपसे मिलने को जाए। कहाँ बिठाया उसे? आपके रूम में बिठाया। आज मैं इसे छोड़ूंगा। सामान भाई छूटे मक्कार कमीने, निकाल मेरे 5 लाख रुपए वरना जान से मार दूंगा तुझे। मामा भाई बचा तो मामा। अरे सर छोड़ दे सर, पहले से मरा हुआ सर ये।
ये जानता नहीं है मुझे कि मैं इसका हशर क्या करूंगा। जानता हूं जमान भाई, बिल्कुल ठीक बोला आपने। झूठा मकार हूं, कमीना हूं, मेरे जैसे आदमी को बिल्कुल भी जीने का हक नहीं है। मैं तो खुद तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से। जमान भाई, मेरी जात पे आपने एहसान किया था जमान भाई, किया था ना जमान भाई, खुदा के लिए जमान भाई, आप मुझे ना जान से मार दे। हट हमें बाजी और निकाल मेरे 5 लाख रुपए। खुदा की कसम, 5 रुपए नहीं है जमान भाई, 5 लाख कहां से दे दूंगा आपके। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, मेरा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, तभी तो मौत के मुंह में खुद आके खड़ा हूं, वरना बताएं बेवकूफ थोड़ी होता जो याद आता। तो फिर तूने और सभा ने अपना फोन क्यों बंद करके रखा है और घर पे ताला लगा के चले गए? क्या पूछ लिया आपने भाई, क्या पूछ लिया आपने? इतनी मुश्किलों से तो जख्म भरे थे, एक जुमले में फिर ताजे कर दिया आपने। हमारे साथ तो वो ये कि दुश्मन के साथ भी ना करे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेल रही है? अम्मी के लिए मेरा बोझ पहले कम था, जो अब मेरे होने वाले बच्चे की परेशानी भी उन्हें ही उठानी होगी। हमायूं, आखिर आप कहां चले गए हैं? आप मुझे वापस लेने क्यों नहीं आए? अब तो मैं आपके बच्चे की मां भी बनने वाली हूं। बस अम्मी की तबीयत अचानक इस तरह खराब हुई कि हम दोनों को इमरजेंसी में भागना पड़ा गांव। आखिर ऐसा क्या हुआ था मिजान? अम्मी के जिगर में कैंसर था। ओह, ये तो बड़ी जानलेवा बीमारी है, मरने के बाद भी इंसान की जान नहीं छोड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कैंसर हमारी अम्मी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा गया और हम में से किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हिम्मत से काम लो, जो ऊपर वाले की मर्जी, अब हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अपने इन गुनहगार हाथों से अम्मी को खुद कब्र में उतारा मैंने, उसके बावजूद भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि अम्मी हमें नहीं। अब यार, लेकिन तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था, उन्हें यहाँ कराची लेकर आते, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाते। असल में जिंदगी में उनको इतनी मोहलत ही नहीं थी, जिस तरह मजबूत मुट्ठी बंद करने के बावजूद रेत हाथ से निकल जाती है, बिल्कुल उसी तरह हमारी हर कोशिश के बावजूद हम उन्हें बचा नहीं सके। बहुत शर्मिंदा हूं सामान भाई आपसे, अम्मी की जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, घर का सामान भेज दिया, यहां तक कि मोबाइल फोन भी, लेकिन अम्मी। अरे देखो, रोते नहीं है, हिम्मत से काम लो। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी मजबूरी। बहुत शुक्रिया सामान भाई। अम्मी, आप भी खाना खा रहे हैं? हाँ मैं खाती हूँ, तुम ऐसे करो जाके जन्नत को भी बुला लाओ। अम्मी, मैंने उससे पूछा था, उसने कहा मेरा मूड नहीं है अभी। अरे है, क्या हो गया बावली को जो खाना नहीं खा रही? मैंने आपको बताया था ना अम्मा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तौबा है तौबा, पहले इस घर में खाने वाले कम है, जो एक और नया मेहमान आ रहा है खर्चा बढ़ाने, कौन पूरा करेगा उसका ये खर्च?
अम्मी आप खाना तो खा लें। अम्मी इन लोगों के बिना बहुत नखरे बढ़ गए। तौबा है तौबा भाई, जमाने में सच बोलना भी ना बहुत बड़ा गुनाह है। तू दफा कर, भूख लगेगी तो खुद आके खाएगी। मुझे एक अच्छी सी बोटी डाल के था। अम्मी अम्मी बात तो सुने, आप खाना तो खा लें। अम्मा की बातें ही काफी हैं। अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, जरा भूखी रहेंगी तो। हो जाने दो, अच्छा अगर मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? आप ही तो समझाती हैं ना कि हमें एक दूसरे के लिए जीना है। अच्छा आप रोए नहीं, आप एक काम करें, अपने कमरे में जाएं, मैं आपके लिए और जन्नत के लिए खाना लेकर आती हूँ। जन्नत थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप खा लें। बेटी भूखी रहे तो माँ के हलक से निवाला कैसे उतर सकता है? जन्नत तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है अम्मी, मुझे डर लग रहा है। अम्मी जन्नत को डॉक्टर के पास लेके चलते। हाँ तुम्हारे जमान अबू आ जाना तो उसको अस्पताल लेके चलते। अम्मी जमान अबू पता नहीं कब आएंगे, उसकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन अगर मैं अम्मा से अस्पताल के भी पैसे मांगू वो नहीं देंगी। अम्मी जमान अबू पता नहीं कब आएंगे, उसकी तबीयत तो देखे आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों परेशान क्यों हो रही हैं? अच्छा तू थोड़ा सा पानी तो पी लो।